जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का सेशन हिंदी साहित्य का स्टार्ट हो चुका है। लगभग आज हम 150 प्रश्नों पर यहां पर चर्चा करेंगे और ये वन लाइनर टाइप के प्रश्न होंगे। आज पूरे आदिकाल के लगभग जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट करेंगे, वन लाइनर टाइप के प्रश्न, ठीक है। एक एक प्रश्नों पर आज फोकस किया जाएगा। तो सभी साथी जो भी अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं तो फटाफट से आ जाएं, वीडियो को सभी को लाइक करके जो है शेयर अवश्य करना है, ठीक है। और ये बहुत ही मास्टर वीडियो है आपके लिए। तो सभी के लिए जय हिंद, सभी के लिए गुड इवनिंग। स्टार्ट होता है आज का ये वीडियो। तैयार रहें सभी लोग उत्तर बताने के लिए। तो दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न बनेगा, जो भी साथी नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन आपको दिया होगा नीचे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करते हैं। आज का वन लाइनर टाइप प्रश्न होगा। आज आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और ना ही, ठीक है, आपको बताना होगा सिर्फ। पहला प्रश्न जो आपका है कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, एक किसने कहा है। फटाफट से कमेंट बताते जाएं, लिखते जाएं। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, ये किसने कहा। आज आपका वो टेस्ट होना है जो आपको याद है। विकल्प से तो हर कोई उत्तर बता देता है और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, शुक्ल, आचार्य शुक्ल ने कहा जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। भाषा सर्वेक्षण की रचयिता कौन है, प्रश्न क्रमांक टू। भाषा सर्वेक्षण की रचयिता बताना है आशुतोष जी। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, ये चीज याद रखनी है। शुक्ल जी, भाषा सर्वेक्षण की रचयिता कौन है, तो प्रश्न क्रमांक टू का आंसर बताना है भाषा सर्वेक्षण की रचयिता कौन माने जाते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन भाषा सर्वेक्षण की रचयिता माने जाते हैं, ठीक है, याद रख लेना किसी को याद नहीं है तो। उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास की रचयिता कौन है, प्रश्न क्रमांक तीन। अभी तक आपने आदिकाल पढ़ा होगा, आदिकाल के सरल सरल प्रश्न पढ़ लिए होंगे प्रदीप जी। अब हमें बताना उपदेश रसायन के जो रचयिता हैं वो कौन है, जिनदत्त सूरी। कौन है, जिनदत्त सूरी, ठीक है। उपदेश रसायन रास के जो रचयिता है वो कौन है, जिनदत्त सूरी, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन से पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का है, प्रश्न क्रमांक चार। किस कोटि का माना जाता है पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई जी इसके रचयिता हैं। 69 सर्ग हैं इसमें, कितने हैं, 69 हैं, ठीक है। आदिकाल में से छंदों का अजायब घर कहा जाता है, ये किस प्रकार का काव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, प्रश्न क्रमांक चार का उत्तर हमें लिखना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वीर गाथा का, है ना, वीर गाथात्मक ये महाकाव्य है ना, वीर गाथात्मक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य भी है, प्रथम महाकवि चंदवरदाई जी हैं, वेरी गुड। अगला बताना है दोस्तों आपको हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, प्रश्न क्रमांक पांच का उत्तर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रामकुमार वर्मा, है ना। रामकुमार वर्मा ने संधिकाल माना 750 से 1000 विक्रम संवत को, है ना, संधिकाल। फिर दूसरा काल इनका चारण काल था और रामकुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा है, तो रामकुमार वर्मा बिल्कुल सही हो जाएगा, महावीर वर्मा नहीं, रामकुमार वर्मा। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति, प्रश्न क्रमांक छह। कमलेश जी,
प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है विधेयवादी पद्धति। आंसर आपका विधेयवादी पद्धति बिल्कुल सही होगा, ठीक है, विधेयवादी। अगला देख लो, विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है? विद्यापति की रचनाएं जब तक मैं आपको बता दूं, विद्यापति जी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, लेकिन इन्हें आदिकाल की श्रेणी में रखा है विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, ठीक है। अब विद्यापति की प्रसिद्ध जो रचना है वो कौन सी है? पद यानी पदावली, लता यानी कीर्ति लता, पताका यानी कीर्ति पताका, ठीक है। तो ये पताका, कीर्ति पताका और कीर्ति लता, ये दो रचना इनकी अभट्ट में है और पदावली इनकी मैथिली में है, ठीक है, विद्यापति की। और विद्यापति ने कीर्ति लता को जो संवाद में लिखा है भ्रंग भ्रंगी संवाद, है ना, भ्रंग भ्रंगी संवाद में इन्होंने लिखा है कीर्ति लता को। राठौड़ारी ख्यात के रचयिता कौन है? प्रश्न क्रमांक 8, राठौड़ारी ख्यात के रचयिता कौन है? आपने आदिकाल पढ़ लिया है, ऑप्शन आपको अगर दिए जाते हैं तो आप जल्दी बता देते हो, लेकिन अगर आज अच्छे से बताते हो तो निश्चित ही आपको वो चीज़ याद है, रट गई है, समझ में आ गई है। तो राठौड़ारी ख्यात के रचयिता कौन है? प्रश्न क्रमांक 8 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दयाल दास। कौन है? दयाल दास है राठौड़ारी ख्यात के रचयिता, याद रख लेना दयाल दास साहब को, दयाल दास। अंतिमा जी, अगला बताना है, नाथों में रसायनी कौन कहलाते थे? रसायनी। प्रश्न क्रमांक 9, फटाफट से उत्तर बताएं, नाथों में रसायनी कौन कहलाते हैं? परवेश जी, नाथों में रसायनी किसे कहा जाता है? नाथों की संख्या कितनी मानी गई? 9। मच्छेंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, गोरखनाथ इसके प्रमुख, ठीक है, और जो है नागार्जुन, नाथों में रसायनी कहा जाता था नागार्जुन को, नागार्जुन याद रख लेना, ठीक है, वेरी गुड। कमलेश जी, प्रदीप जी, नागार्जुन। कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? प्रश्न क्रमांक 10। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रहस्य से, श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने मानी है रहस्य से, ठीक है, किससे? रहस्य से। अगला देखो, अध्यात्म रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी विद्यापति के पदों को भी पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? अध्यात्म रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी बताया है, ये पंक्ति किसने की है, है ना, तो किसने की है? शुक्ल जी ने, है ना, शुक्ल, ये शुक्ल जी ने कहा है कि अध्यात्म, शुक्ल जी की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सभी को याद रखना है। काफिर बोध, काफिर बोध पंच अग्नि, दया बोध अष्टवक्र व रस राह ग्रंथ हैं, किसके? काफिर बोध पंच अग्नि, दया बोध और अष्टवक्र रस राह, ये ग्रंथ किसके हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गोरखनाथ, गोरखनाथ के ग्रंथ देख लो जरा, गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख माने जाते हैं, काफिर बोध पंच अग्नि, दया बोध अष्टचक्र और रसराय, ये गोरखनाथ जी के ग्रंथ हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, कैमासबद्ध किस रचना का खंड है? कैमासबद्ध किस रचना का खंड है? प्रश्न क्रमांक 15। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का एक खंड है कैमासबद्ध, ये पूछा गया है एग्जाम में, कैमासबद्ध पृथ्वीराज रासो का खंड है। ठीक है, अगला बताना है आपको राजमति वियोग वर्णन बीसल देव रासो के किस खंड में है? राजमति वियोग वर्णन बीसल देव रासो के किस खंड में है? प्रश्न क्रमांक 16। राजमति वियोग वर्णन बताना है हमें। बीसल देव के रचनाकार कौन है? नरपति नाल, और इस श्रृंगारिक रचना मानी जाती है बीसल देव। अजमेर के शासक से संबंधित ये रचना है बीसल देव, है ना, इनके वियोग का वर्णन इसमें किया गया है बीसल देव। तो बीसल देव रासो, राजमति का वियोग वर्णन बीसल देव रासो के किस खंड से है? तो तृतीय खंड से है। ठीक है, तृतीय खंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य में छप्पयों का राजा के नाम से किसे जाना जाता है? छप्पयों के राजा, छप्पयों का राजा के नाम से किसे जाना जाता है हिंदी साहित्य में? प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर बताना है हमें। हिंदी साहित्य में छप्पयों का राजा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चंद्रबरदाई को। ठीक है, छप्पयों का राजा नाम से जाना जाता है चंद्रबरदाई को, और चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, ये चीज भी पता है। पृथ्वीराज रासो इनका महान, है ना, महाकाव्य है, इन्हें छप्पयों का राजा भी कहा जाता है, ऐसे याद करना। नए नए प्रश्न आपको आज देखने को मिल रहे होंगे। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम किसने अप्रमाणिक घोषित किया? सर्वप्रथम, प्रश्न क्रमांक 18। अभी तक आप बहुत सारे प्रश्न पढ़ते आए, वही प्रश्न पढ़ते रहे, लेकिन आज कुछ नए प्रश्न हैं। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम किसने अप्रमाणिक घोषित किया है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वुलर, है ना, आपने नाम सुना होगा वुलर का। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक घोषित किया है। ठीक है, बुलर ने, तो याद रख लेना। अगला देख लो, शुक्ल के मतानुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? वीर काव्य परंपरा का शुक्ल के मतानुसार बताना है। प्रश्न क्रमांक 19। शुक्ल के मतानुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर है शुक्ल के मतानुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो, है ना, बीसल देव रासो माना है इन्होंने। इसको एक बार चेक कर लेना प्रश्न को, क्योंकि ये श्रृंगार परक रचना है बीसल देव रासो, है ना, ये आप लोग चेक करके बता देना। शुक्ल के मतानुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है ना, यहां पर बीसल देव रासो। ठीक है, अगला बताना है। वैसे इन्होंने अपनी जो वीर गाथा नाम दिया है, जो 12 रचनाएं हैं, उनमें वीर बीसल देव रासो को भी स्थान दिया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक भी कर लेना। आलाखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया गया था? प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर बताना। आलाखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया गया था?
तो आलाखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था 1865 में फर्रुखाबाद से चार्ल्स इलियट ने, है ना। इसे क्या कहा जाता है, परमाल रासो, परमाल रासो याद रख लेना। 1865 में फर्रुखाबाद से चार्ल्स इलियट ने किया था सर्वप्रथम प्रकाशन आलाखंड का, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर बताना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचयिता बताना है। यस जी, कौन है, सभी को पता है, सविता जी, दिनेश जी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आज कुछ आप लोग नया सीख रहे होंगे, है ना, नए नए प्रश्न कुछ आ रहे हैं और वन लाइनर है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी बोझ पड़ रहा होगा। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो रचयिता माने जाते हैं वो कौन है, दामोदर शर्मा, है ना, पंडित दामोदर। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपका बिल्कुल सही है। अगला बताना है आपको, राहुल बेल श्रृंगार परक चंपू काव्य के रचयिता कौन है। ये बोई राहुल बेल रचना है जिसे शिलांकित रचना कहा जाता है, शिलांकित कृति कहा जाता है ना। तो राहुल बेल श्रृंगार परक चंपू काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, रोड़ा कवि, है ना, रोड़ा। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, तो किसे माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर बताना है हमें, विपिन जी। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है स्वयंभू को, है ना, और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले जो हैं वो रामकुमार वर्मा जी हैं। अपभ्रंश का प्रथम कवि तो स्वयंभू को माना जाता है, लेकिन रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो आपको उत्तर लगाना है रामकुमार वर्मा ने, है ना। स्वयं को अभिमान मेरु किसने कहा है, स्वयं को अभिमान मेरु कौन कहते थे। प्रश्न क्रमांक 24, तो प्रश्न क्रमांक आपका 24 और राइट आंसर होगा पुष्पदंत, है ना। स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे पुष्पदंत। इनका एक ग्रंथ है महापुराण, ठीक है, महापुराण है पुष्पदंत जी का, महापुराण बहुत ही प्रसिद्ध है और ये अभिमान मेरु कहा जाता है इन्हें। आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल नाम किसने दिया है, 23 का आंसर बताना है। हाँ, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, वेरी गुड आशुतोष जी। आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल किसने कहा है। आज आपकी स्पेशल परीक्षा हो रही है, आज अगर आपसे अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं तो निश्चित ही आप हिंदी में अच्छे बनते हैं। रामकुमार वर्मा, है ना, इन्होंने संधिकाल की समय सीमा इन्होंने दी 750 से 1000, है ना, फिर उसके बाद इन्होंने चारण काल माना, तो संधिकाल और चारण काल नाम दिया रामकुमार वर्मा ने, ठीक है। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान और दूहा नाम से बंगला में प्रकाशित किया, तो किसने किया, बौद्ध गान और दूहा, इस नाम से बौद्धों सिद्धों के पदों और दोहों को ये किसने प्रकाशित किया है। तो ये किया है पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने, किसने किया है, हरप्रसाद शास्त्री, इन्होंने बौद्ध गान और दूहा नाम से प्रकाशित किया है बंगला में बौद्धों और सिद्धों के पदों को, ठीक है। अगला प्रश्न है, किरान उस सादेन रचना, किरान उस सादेन रचना किसकी है, 25, बिल्कुल नई रचना लग रही होगी आपको, अंतिमा। किरान उस सादेन रचना के जो रचनाकार हैं वो हैं
अमीर खुसरो, आदिकाल के अंतिम कवि अमीर खुसरो जी एक किरान उस साधन रचना के रचनाकार हैं। तो अमीर खुसरो याद रख लेना। हाँ, चारणकाल ग्रियर्सन ने भी कहा है, वेरी गुड। तो आपको पुरुष परीक्षा बताना है, ये किसकी संस्कृत में रचित रचना है? पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा। तब आपका राइट आंसर होगा विद्यापति जी की। ये पुरुष परीक्षा विद्यापति जी ने, है ना, विद्यापति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यापति। ठीक है, अगला देख लो। रिट्ठमणि, रिट्ठडैमी हुई है, रिट्ठडैमी, है ना, रिट्ठडैमी चरियु, यहां पर गलत छप गया, रिट्ठडैमी चरियु है, है ना, स्वयंभू की रचना है रिट्ठडैमी चरियु। सभी को पता होगी रिट्ठडैमी चरियु स्वयंभू, है ना। अगला देख लो, कीर्तिलता की भाषा क्या है? विद्यापति की जो कीर्तिलता है इसकी भाषा बताने हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पता का दोनों ही अभट्ट में है, है ना, अभट्ट, वेरी गुड मंजू बाला। अगला है, भू परिक्रमा के रचयिता कौन है? भू परिक्रमा प्रश्न क्रमांक 29 है, भू परिक्रमा के रचयिता बताना है हमें। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विद्यापति, भू परिक्रमा के रचयिता भी विद्यापति हैं। ठीक है, विद्यापति आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका, दिनेश जी राणा, परवेज जी, निधि जी, जय मयंक जस चंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मधुकर कवि, है ना, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। ठीक है, अगला प्रश्न, कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में प्राकृत काव्य लिखा गया किसके द्वारा? तो ए लिखा गया सोमप्रभ सूरी के द्वारा, कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य प्राकृत भाषा में लिखा गया सोमप्रभ सूरी, सोमप्रभ सूरी के द्वारा लिखा गया ये। अगला बताना, गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? किसका सहारा लिया है इन्होंने कमलेश जी? एक रचना और है भट्ट केदार, जैसे जस मयंक जस चंद्रिका है, एक और रचना मुझे याद नहीं आ रही, वो भट्ट केदार की इसी प्रकार से है, है ना, अगर किसी को याद है तो वो बता दें, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की है, और इसी प्रकार से एक और रचना है भट्ट केदार की। तो पतंजलि, पतंजलि का सहारा लेकर इन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया था, किसने? गोरखनाथ ने, पतंजलि का। ठीक है,
अगला बताना है आपको, रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का है? प्रश्न क्रमांक 33। हाँ, वेरी गुड, जयचंद प्रकाश, याद रख लेना, जयचंद प्रकाश जो है ये है भट्ट केदार की, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है ना। और वेरी गुड सविता जी, याद रख लेना, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की और जो है आपकी ये, ठीक है, तो याद रख लेना सभी लोग, जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि की है, ये दोनों रचनाएं हैं, कंफ्यूज होते इसी में सभी लोग, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जस मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि है ना। और रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सिद्धों से संबंधित है, ये याद रख लेना, ठीक है, वेरी गुड। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? थर्टी फोर का आंसर हमें बताना है, सिद्धों में सबसे पुराने जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं सरहपा, है ना, ये सबसे प्रमुख माने जाते हैं। और सरहपा को क्या माना है? सरहपा को राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। इनकी एक रचना कौन सी है? दोहा कोश, ठीक है, दोहा कोश, याद रख लेना। और ये सिद्धों के प्रमुख माने जाते हैं सरहपा जी। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का, ये कथन किसका है? उस समय जैसे गाथा और गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, है ना, इस समय दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का होता, ये कथन किसका है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, किसका है? शुक्ल जी का है। शुक्ल जी के दो कथन हर परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे आपको, चाहे नेट हो, पीजीटी हो, टेट हो, इनसे दो प्रश्न तो आ ही जाते शुक्ल जी से, है ना, तो याद रख लेना। देसी नाम माला किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 36, देसी नाम माला किसकी रचना है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ये हेमचंद्र, ये अपभ्रंश के व्याकरण है ना, व्याकरणाचार हैं अपभ्रंश के, और इन्हें इनकी रचना है देसी नाम माला। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रवली पांडे ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चंद्रबली पांडे ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? इन्होंने रासों की उत्पत्ति बताना है हमें, फतेह सिंह जी, किससे मानी इन्होंने? रासक से मानी है, याद रख लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद और चंद्रबली पांडे, इन्होंने रासों की उत्पत्ति रासक से मानी, ठीक है, वेरी गुड, रासक आपका बिल्कुल सही है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति मानी है, किससे मानी है? हरप्रसाद शास्त्री ने, प्रश्न क्रमांक 38, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राज यश से, हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति मानी है दोस्तों राज यश से, ठीक है, राज यश। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति मानी है तो किससे मानी है? 39 का उत्तर बताना है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रसायन से, शुक्ल ने मानी है रसायन से, है ना, और
जो अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने काय से मानी है, रासक से। तो इन दोनों को तो आपको याद रखना है, इन्होंने रासक से और इनसे रसायन से, ठीक है। अगला आपको बताना है पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष क्या है। पृथ्वीराज रासो आपने पढ़ी है और पृथ्वीराज रासो जो है ये महाकाव्य है, सभी लोग अच्छे से जानते हैं, आदिकाल का छंदों का अजायब घर है, चंद्रवरदा इसके रचनाकाल हैं, 69 सर्ग इसमें हैं। इसका सर्वाधिक जो विवादास्पद है वो क्या है, ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिकता बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमें बताना है प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन है। प्रश्न क्रमांक 41 का आंसर प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन है, ठीक है। जिन्होंने विस्तृत अध्ययन नहीं किया है या जिन्हें गूढ़ अध्ययन नहीं है हिंदी का या जिन जो पहले पढ़े नहीं हैं उनके लिए कठिन ही लगेगा, है ना। और जिन्होंने पढ़ा है पहले तो उनके लिए लग रहा होगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और नया भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो बररुचि यानी कि प्राकृत प्रकाश की रचयिता कौन है, बररुचि है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बररुचि, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपको बताना है ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता यानी कि जो 42 है वो हमें बताना है, ठीक है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी को पता है कि हमने पढ़ा है कि ढोला मारूरा दोहा जो है एक जगह आपको मिलता है कल्लोल कवि, है ना, कल्लोल कवि, और एक जगह आपको मिलता है कोसल्लाव, ठीक है। तो आपसे कभी भी ऑप्शन में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, कल्लोल कवि ने भी ये रचना की है ढोला मारूरा दोहा और कोसल्लाव ने भी ये रचना की है, ठीक है। तो आपसे या तो कल्लोल कवि ऑप्शन में दिया जाएगा या कोसल्लाव दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ने ही ये रचनाएं की हैं। तो आप लोग याद रख लेना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, ढोला मारूरा दुहा कल्लोल की भी है और कोसल्लाव की भी है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कोसल्लाव अगर आए तो ऑप्शन में कोसल्लाव टिक करना है और कल्लोल आए तो कल्लोल टिक करना है, ठीक है। अगला देखो, सबसे पहले बारहमासा वर्णन किस रचना में मिलता है। सबसे पहले बारहमासा वर्णन आपको बताना है किस रचना में मिलता है। प्रश्न क्रमांक 43 का आंसर बताना है और बिल्कुल सही आंसर है कि सबसे पहले जो बारहमासा वर्णन मिलता है वो बीसल देव रासो में मिलता है, ठीक है। इसे श्रृंगार प्रधान रचना माना जाता है, बीसल देव रासो, ठीक है, नरपति नाल की रचना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको लगाना है बीसल देव रासो, है ना। अब आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है, ये बताना है हमें 44 का उत्तर। आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा धीरेंद्र वर्मा, है ना, धीरेंद्र वर्मा। और कौन ने कहा है इसे अपभ्रंश काल, 2-3 विद्वानों ने कहा है, धीरेंद्र वर्मा ने भी कहा है, और किसने कहा है, जल्दी से लिखें कमेंट में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर धीरेंद्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी क्या कहा है, अपभ्रंश काल, है ना, ठीक है, इन दोनों ने ही कहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखो, 12 बरस लो कुकर जीबे और 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीबे आगे जीवन को धिक्कार, 45 का उत्तर बताना है। ये पंक्ति किसकी है,
बारह बरस लो कुकर जीबे और तेरह लो जिए से यार, बरस अठारह छत्री जीबे आगे जीवन को धिक्कार। ये जो पंक्ति है दोस्तों ये किसकी है, जगनिक। आपने क्या पढ़ा, आला पढ़ा होगा, आला है ना, आला खंड की रचयिता कौन है, जगनिक, जिसे परमाल रासो भी कहा जाता है। और आप आला पढ़ते होंगे, जग जग कर आला पढ़ते हो, जग जग के, है ना, बोले सर मैं तो पूरी रात जगता हूँ और आला पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, तो जगनिक। अगला बताना, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा है, 46 का उत्तर सरल उत्तर। आदिकाल को बीज बपन काल कहने वाले जो विद्वान हैं वो सभी को पता है कि महावीर ने अहिंसा के बीज बोए, तो कौन होंगे, बीज, महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि, इनके नाम पर द्विवेदी युग को द्विवेदी युग कहा गया है ना। महावीर सरस्वती पत्रिका के ये संपादक बने, ठीक है, 1900 में और 1920 तक ये संपादक रहे सरस्वती पत्रिका के, तो ये चीज़ भी सभी को पता है। दोहा कोश किसकी रचना है, यहाँ पर हमें बताना है 47 का आंसर, दोहा कोश। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों सरहपा, बिल्कुल सही आंसर बताया है, दोहा को सरहपा। नेक्स्ट है, मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है मैथिल कोकिल, 48, हाँ आला उदल का भी वर्णन है उसी में। और मैथिल कोकिल जो कहा जाता है वो कहा जाता है विद्यापति, विद्या के पति को कहा जाता है। अगर आप में वास्तव में विद्या है तो आप बहुत ही मीठा बोलेंगे, है ना, इसलिए मैथिल कोकिल विद्यापति को। आलाखंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है, तो सभी को पता है रीनू चौधरी जी, आलाखंड नाम से जो रचना प्रसिद्ध है वो रचना का नाम क्या है, परमाल रासो जगनिक, है ना। पद्मावती समय किस रचना का खंड है, पद्मावती समय, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल अंदर से। प्रश्न क्रमांक 50 का उत्तर, पद्मावती समय किस रचना का खंड है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ये पृथ्वीराज रासो का खंड है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, याद रख लेना पद्मावती समय, है ना, ये पृथ्वीराज रासो का है। राजमती और बीसल देव की कथा किस ग्रंथ में है, तो सभी को पता है कि ये बीसल देव रासो में है, राजमती और बीसल देव की कथा बीसल देव रासो में है। और ये कहाँ से संबंधित है, अजमेर से संबंधित है, इनके वियोग का वर्णन इस बीसल देव रासो में कहा गया, इसलिए इसे श्रृंगारिक रचना माना जाता है, श्रृंगारिक रचना, है ना, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने अपनी 12 और रचनाओं में ये स्थान दिया है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है, बिल्कुल रेगुलर है क्लास रीनू जी। वर्ण रत्नाकर के ग्रंथ के रचयिता कौन है, प्रश्न क्रमांक 52, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता बताना है आपको। मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि वर्ण अगर आ जाए तो वर्ण को हमें अंधेरे में नहीं पढ़ना है, नहीं तो आ अनार के को बा बकरी का बोलो, इसलिए वर्ण को क्या पढ़ना है, हमें ज्योति में पढ़ना है, ज्योति में, तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर, है ना, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, क्योंकि वर्णों को हमें ज्योति में पढ़ना है, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ठीक है, वेरी गुड। नाथ संप्रदाय के रचयिता आपको बताना है, नाथ संप्रदाय के रचयिता कौन है, तो जल्दी बताना है, आरजू जी मैं जबलपुर, है ना, जबलपुर से आप सभी के साथ हूँ, जबलपुर से ये चैनल अपना संचालित हो रहा है। नाथ संप्रदाय के रचयिता माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, 53 का आंसर बताना है। और अपने साहित्य ग्रुप से कौन कौन नहीं जुड़ा है अभी तक वो जल्दी से बता दें। और नाथ संप्रदाय के एक क्वेश्चन ही कुछ अलग है ना, क्वेश्चन ही डिफरेंट है। अगला बताना है आपको, शिलांकित चंपू काव्य, चंपू गे काव्य रचना है तो किसकी है, शिलांकित चंपू गे काव्य रचना है तो किसकी है, ये नाथ संप्रदाय रचना तो नहीं है, एक बार चेक कर लेना, ये नाथ संप्रदाय, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है नाथ संप्रदाय की रचयिता,
ये रचना का नाम तो नहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इसको चेक कर लेना, है ना। वैसे अगला क्वेश्चन चंपू, जो चंपू गे काव्य है वो रावल बेल है ना, रावल बेल। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, दो सुखने खालिक बारी आदि रचनाएं हैं तो किसकी हैं। दो सुखने खालिक बारी आदि रचनाएं ये किसकी हैं, दो सुखने खालिक बारी तो ये अमीर खुसरो जी की है ना, दो सुखने और खालिक बारी अमीर खुसरो। नेक्स्ट है प्राण संकली शब्दी नरवई बोध आत्मबोध और पंचमात्रा ये किसकी रचना है। प्राण संकली शब्दी नरवई बोध आत्मबोध और पंचमात्रा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गोरखनाथ, गोरखनाथ आपका सही हो जाएगा। आरजू जी ये जो प्रश्न है ये एमपी टेट के लायक नहीं है, ठीक है, एमपी टेट के लायक नहीं है। तो प्राण संकली शब्दी नरभय बोध आत्मबोध और पंचमात्रा ये रचनाएं गोरखनाथ की हैं, ठीक है, गोरखनाथ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रवर्तक या संस्थापक होना चाहिए, है ना, बिल्कुल वेरी गुड। गोरखनाथ की रचनाएँ हैं ये प्राण संकली शब्दी नरभय बोध आत्मबोध या पंचमात्रा, गोरखनाथ। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी नाम से संपादित किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है ये। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी नाम से संपादित करने वाले कौन हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पीतांबर दत्त वर्थवाल। इन्होंने क्या किया है, गोरखनाथ की जो रचनाएं थी इन्होंने गोरखवाणी नाम से संपादित किया है इसको, पीतांबर दत्त वर्थवाल जी ने, याद रख लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है पुस्तक जल्लड़ हत्ते दे चली गज्जन नरज काज ये पंक्ति किसकी है। पुस्तक जल्लड़ हत्ते दे चली गज्जन नरज काज ये बताना है हमें। तो आपका बिल्कुल सही है जल्लड़, है ना, पृथ्वीराज रासो से है पुस्तक जल्लड़ हत्ते दे चली गज्जन रचकाज। हाँ पृथ्वीराज रासो से ये पंक्ति ली गई है। चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते और इनका पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है, ये कथन लेखन किसका है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कथन के लेखक कौन है बताना है, ठीक है। चंद हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, इनका पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है ये किसने कहा है, तो ये तो शुक्ल ने, है ना। शुक्ल ने कहा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और इनका पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या बंधुओं एवं कर्नल जो टाड हैं ये क्या मानते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है प्रश्न। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, है ना, मिश्र बंधुओं एवं कर्नल टाड मानते हैं तो क्या मानते हैं इसे, प्रमाणिक या फिर अप्रमाणिक। तो 60 का आंसर मानते हैं प्रमाणिक, है ना। हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम बुलर ने क्या माना था, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना था, है ना। तो याद रख लेना कौन कौन है, श्याम सुंदर दास मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, है ना, मिश्र बंधु और कर्नल टाड, ये मानते हैं इसे प्रमाणिक, किसे, पृथ्वीराज रासो को। लेकिन ये वास्तव में है क्या, क्या है, अर्ध प्रमाणिक। ये कैसी है, अर्ध प्रमाणिक है, ठीक है।
हाँ, प्रमाण लेके मोहे श्याम मिस करे। वेरी गुड प्रदीप जी। अगला बताना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी मुनि जिन विजय सुनीति कुमार चटर्जी आदि पृथ्वीराज रासों को क्या मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मुनि जिन विजय सुनीति कुमार चटर्जी ये क्या मानते हैं? प्रश्न क्रमांक 61 का उत्तर हमें बताना है, और 61 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये मानते हैं अर्ध प्रमाणिक। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी मुनि जिन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी ये पृथ्वीराज रासो को मानने वाले हैं अप्रमाणिक। ठीक है, हाँ हजारी जी अर्ध प्रमाणिक, वेरी गुड। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग या समय हैं? तो सभी लोगों को बिल्कुल रटा हुआ है 69 सर्ग या फिर समय है ना, वेरी गुड। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक यानी कि जो 63 है वो बताना है। आधे प्रमाण की विजय हजारे ने सुनी, वेरी गुड। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है हमें बताना है। तो जो भी साथी अभी तक साहित्य वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो साहित्य वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ें, क्योंकि साहित्य वाले अपनी क्लास के बहुत विद्वान हैं, है ना। कोई यूजीसी नेट पार किए हुए हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, कोई पीजीटी पास किए हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग अपने ग्रुप में जुड़े हैं। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो ये अब्दुल रहमान या फिर अद्दहमाण, अद्दहमाण का ये खंड काव्य माना जाता है ना, खंड काव्य। अगला हमें बताना है, पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया है? 64, पृथ्वीराज रासो को पूरा करने वाले जो हैं वो कौन हैं? तो हमने अभी पढ़ा था ना कि जल्लड़ हत्य दे, तो जल्लड़ ने किया है ना। पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? जल्लड़ साहब ने। जल्लड़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना, परमात्म प्रकाश और योग सार ये किसकी रचना है? परमात्म प्रकाश और योग सार, योग सार बताना है, और परमात्म प्रकाश 9089860921, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी अपने व्हाट्सअप हिंदी साहित्य ग्रुप की। ठीक है, हाँ, ये चंद बरदाई के पुत्र थे जल्लड़, और इन्होंने पूर्ण किया था। और ये परमात्म प्रकाश और योग सार ये जो रचना है वो जो इंदु की है ना, जो इंदु, वेरी गुड। अगला, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा के रचयिता बताना है। प्रश्न क्रमांक 66, आप लोगों ने बहुत रामायण देखी है, काय में लॉकडाउन में राम भगवान कहाँ गए? पहाड़ गए, यानी कि वनवास गए। कौन गए? राम भगवान कहाँ पर गए थे? पहाड़, पहाड़ है ना, तो कौन गए? राम। तो पाहुड़ दोहा मुनि राम से हैं, ठीक है, राम से हैं, तो याद रख लेना मुनि राम से कि ये पाहुड़ दोहा। अगला क्वेश्चन है, सरहपाद सरोज वज्र राहुल भद्र आदि नामों से कौन जाना जाता है? सरहपाद सरोज वज्र राहुल भद्र, तो कौन जाने जाते हैं? सरहपा जाने जाते हैं, हिंदी के प्रथम कवि जाने जाते हैं सरहपा सरोज वज्र राहुल भद्र, है ना। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है, निम्न में से बताइए, सरहपा ना देकर उनने अगर सरोज वज्र दे दिया, तो आपको याद होनी चाहिए कि सरहपा को ही सरोज वज्र कहा जाता है, राहुल भद्र भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, सरहपा को सरोज वज्र राहुल भद्र, है ना। अक्षर द्वि कोप देश डोम्बी गीतिका व योगचर्या योगचार किसकी रचनाएं हैं? ये तो ये रचना है डोम्बी पा की, किसकी है? डोम्बी गीतिका योगचार और अक्षर द्वि कोप देश, ये डोम्बी पा की है, डोम्बी पा। अगला देखो, श्राप का चार व दब्य सहाब प्यास
लघु नय चक्र और दर्शन सार ग्रंथ ये किसके हैं? श्राप का चार, दब्य साहब प्रयास, लघु नय चक्र और दर्शन सार, ये ग्रंथ बताना है। नॉर्मली है जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है, ऐसा अगर पूछा जाता है तो आपको लगाना सरहपा है ना, क्योंकि अधिकांश विद्वानों ने सरहपा को ही माना है सर्वसम्मति से, ठीक है। तो ये श्राप का चार तो सभी को पता है कि हिंदी की प्रथम रचना है, 933 इसका रचना काल है श्राप का चार का, ठीक है। अब श्राप का चार बाकी आपको अगर पता भी नहीं है कि दब्य साहब प्रयास, लघु नय चक्र या दर्शन शास्त्र, तो आप श्राप का चार देख कर ही लगा दोगे कि ये तो देवसेन की है, हिंदी की प्रथम रचना भी है, ठीक है। अंदर भरतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य ग्रंथ लिखा किसने लिखा? भरतेश्वर बाहुबली रास तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शालीभद्र सूरी, है ना। ये रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास, तो शालीभद्र सूरी आपका बिल्कुल सही होगा, वेरी गुड आशुतोष जी, शालीभद्र सूरी। स्थूलीभद्र रास ये किसकी रचना है? ललित जिंदल जी, सबिता जी, स्थूलीभद्र रास ये जिनधर्म सूरी की है, जिनधर्म सूरी। हाँ बिल्कुल, डेली आपकी रात्रि 9 बजे क्लास होती है ना। और अभी हमारा आदिकाल का अपन ने सबसे पहले 2 पार्ट में विस्तृत अध्ययन किया था, आदिकाल को विस्तृत पढ़ा, फिर आज ये तीसरा वीडियो है, हम निरंतर क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं आदिकाल का, ठीक है। तो जिनधर्म सूरी की है और रेवंतगिरी रास बताना है किसकी रचना है, 72। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए आदिकाल का जो आपको पता ना हो। तो रेवंत गिरी रास ये किसकी है? विजयसेन सूरी, है ना। रेवंत गिरी, गिरी मतलब होते पर्वत, अब पर्वत को हमें क्या करना है, विजय पाना है पर्वत पर, तो विजयसेन सूरी, रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी की ये रचना है। अगला देखो, नैमिनाथ रास नामक ग्रंथ की 58 छंदों में रचना की है तो किसने की है? ऑप्शन ऑप्शन वाले वीडियो भी आते हैं परवेज जी, ऑप्शन वाले वीडियो मैंने 2 पार्ट आपके ऑप्शन वाले करवाए हैं, और भी ऑप्शन वाले करवा देंगे, है ना। ये जो वन लाइनर है इससे पता चलता है अपना लेवल कि हमें कितना पता है ना। तो वन लाइनर प्रश्न भी आपके लिए ज़रूरी हैं, ऑप्शनल वाले भी ज़रूरी हैं, तो ऑप्शनल वाले पहले 2 पार्ट में मैंने करवाए हैं आपको, और अब ये वन लाइनर हैं, तो वन लाइनर भी आपको पढ़ना है। नैमिनाथ रास नामक जो ग्रंथ है 58 छंदों में रचना की थी सुमति गढ़ी ने, सुमति गढ़ी, ठीक है, सुमति गढ़ी आपका सही होगा। नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय, योग संप्रदाय ये किसने कहा है? नाथ संप्रदाय को 74। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आपने पढ़ा होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने क्या कहा था, नाथ संप्रदाय को इन्होंने अवधूत संप्रदाय, योग संप्रदाय कहा, ठीक है। तो आपका उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस रचना में हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबंध करने का प्रयास हुआ है? आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल जो अपन नाम पढ़ते ना आदिकाल, इसे आदिकाल कहा है, ठीक है, आदिकाल कह दिया, और हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने ही लिखी है ना। हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्हीं का ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब जब हम पढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदि काल विभाजन किया हिंदी साहित्य का, वो किसके आधार पर किया, तो हम पढ़ लेते हैं कि प्रवृत्तियों के आधार पर किया है, लेकिन जब बात आती हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो इन्होंने परंपरा के आधार पर जो है काल विभाजन किया। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इन्हें हिंदी साहित्य की भूमिका में इन्होंने कहा कि जो है किस रचना में हिंदी साहित्य को अखिल साहित्य से संबंध करने का प्रयास किया गया, तो हिंदी साहित्य की भूमिका में किया गया।
ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला देख लो, हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक किसने कहा? हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक किसने कहा है? प्रश्न क्रमांक 76 का आंसर बताना है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, हिंदी पुस्तक साहित्य को डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा है, है ना, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये ग्रंथ है, है ना, ये ग्रंथ किसने लिखा है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, है ना। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास ये रामस्वरूप चतुर्वेदी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में संपूर्ण इतिहास को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, एक तो यही पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो आप बोलते हो कि विज्ञान की जब बात हो रही है तो विज्ञान कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही लिखेगा, तो बुद्धि के देवता गणपति जी कहलाते हैं, है ना। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कौन लिखेंगे? गणपति चंद्रगुप्त। ऐसा आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इतिहास में संपूर्ण इतिहास को गणपति चंद्रगुप्त ने जो बांटा है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, है ना, इसको चेक करके बताना, है ना, चार कालखंडों में। अब यहां पर तीन दिया है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, है ना। इसको चेक करके मैं आपको बता दूंगा। वैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल यहां दिया है हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को, है ना, और भी इन्होंने कालखंडों में बांटा है अलग अलग गणपति चंद्रगुप्त ने। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रथम इतिहास है तो कौन सा है? हाँ, पीजीटी के लिए भी बहुत बढ़िया है आशुतोष जी। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रथम इतिहास कौन सा है, यहाँ पर हमें बताना है। सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रथम इतिहास, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा शुक्ल जी ने, है ना। ये चीज याद रखनी है, 1929 में इन्होंने प्रकाशन किया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, है ना। वेरी गुड। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ऐसे करके चार भागों में बता रहे हैं आशुतोष जी। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका में किसने प्रस्तुत किया है? अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में जो प्रस्तुत किया है वो किसने किया है? अपभ्रंश साहित्य को, तो वो शुक्ल जी ने किया है, है ना। इन्होंने धार्मिक साहित्य को भी अलग कर दिया, साहित्य कोटि में नहीं रखा शुक्ल जी ने, है ना, और अपभ्रंश साहित्य को भी हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया शुक्ल जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का नाम जो सर्वाधिक विवादास्पद रहा वो कौन सा था? वीरगाथा काल, है ना। शुक्ल जी कृत जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इन्होंने इसे कह दिया वीरगाथा काल, है ना, वीरगाथा काल कह दिया, और उन्होंने प्रमाणिक स्वरूप 12 रचनाएं इन्होंने रखी कि ये 12 रचनाएं हैं, इनके आधार पर मैंने इसे वीरगाथा काल नाम दिया। लेकिन ये सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा वीरगाथा काल, उसके बाद अलग अलग विद्वानों ने इस वीरगाथा काल का नाम भी अलग अलग दिया, और सबसे ज्यादा जो विवादास्पद रहा तो वो कौन सा रहा, आदिकाल या फिर वीरगाथा काल, ठीक है। तो ये चीज, और आज
यहाँ पर अपने एक घंटा पूर्ण हो गया है काय के लिए, हिंदी साहित्य की कक्षा के लिए 81 प्रश्नों पर हम चर्चा कर पाए हैं, है ना। प्रदीप जी, किशन दान जी, चंदन जी, परवेज जी, सबिता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो अध्ययन है आप लोगों के लिए कैसा लग रहा है, लाभकारक है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, फटाफट से बताएं, है ना। जो भी हमारे नए साथी हैं उनको निश्चित ही नहीं लगेगा, और जिन्होंने पहले से अध्ययन किया है हैं और जो कर रहे हैं लगातार उनके लिए निश्चित ही अच्छा लगेगा। लेकिन आप जुड़े रहें, जो भी हमारे नए साथी हैं आप जुड़े रहें हमेशा के लिए, आदिकाल की ये शुरुआत है। और जब हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो आपसे हिंदी साहित्य आएगा, एक एक चीज़ आएगी, है ना, सब कुछ बनेगा, एक एक प्रश्न आपसे बनेंगे। कभी आप ऑप्शनल प्रश्न को करते थे, आज आप वन लाइनर प्रश्नों पर पहुंच गए हैं और वन लाइनर प्रश्नों का उत्तर भी इतने अच्छे से दे रहे हैं। वन लाइनर प्रश्नों का उत्तर व्यक्ति तभी दे पाता है जब उसको अच्छे से हिंदी साहित्य आता है, है ना, हिंदी साहित्य बनता है। तो बहुत बढ़िया, सबिता जी, प्रदीप, विमल जी, मंजू जी, आशुतोष जी, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ना है, सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाते हो तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो नए हैं उनका भी अध्ययन होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से 90 98 60 92 91 ये नंबर आप, इस पर आपको मैसेज करना है, आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो एस जी, फतेह जी, रेखा जी, सहारा, ठीक है, और परवेज जी, हाँ बिल्कुल, रेगुलर क्लास अब रेगुलर चलेगी। सहज, सुमित ड्राल जी, राधा कुमार जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, स्टेट के लिए भी है। हिंदी साहित्य आपका जहाँ भी पूछा जाता है, चाहे आप पीजीटी का, है ना, टेट का, इसी में हम आगे बढ़ाएंगे। लगभग 150 प्रश्न हैं आपके, विमल कुमार जी, 150 प्रश्न हैं अभी आपके, 80-81 प्रश्न हुए हैं ये वन लाइनर प्रश्नों के, तो इसी को हम पूरा 150 प्रश्न कंप्लीट करेंगे आदिकाल से संबंधित, है ना। और भी हमने पहले भी 100 प्रश्न लगभग कर चुके हैं और ये 150 प्रश्न और हो जाएंगे, तो आपका जो अध्ययन है और अच्छा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम भक्ति काल का जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद अभ्यास करेंगे, इसी प्रकार से अपना निरंतर चलता रहेगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, व्हाट्सएप ग्रुप से सभी लोगों को जुड़ना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।